अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 18 टेम्परेचर हीट एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉब्लम 23 है। वो कहता है एक स्मॉल इलेक्ट्रिक इमर्शन हीटर है जो कि 100 जौल ऑफ वाटर को गर्म करता है इंस्टेंट कॉफी में। हीटर 200 वाट का है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को थर्मल में लेके जा रहा है। टाइम बताओ कितना चाहिए होगा कि 23 डिग्री से पानी को 100 सेल्सियस तक ले जाए। हीट लॉसेस हम इग्नोर कर रहे हैं। अब पावर का टूल होता है बेसिकली एनर्जी ओवर टाइम। क्यों एनर्जी हम ले रहे हैं यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो थर्मल में जा रही है, और क्यों एम सी डेल्टा टी होता है। ये वैल्यू यहाँ पे लग जाएगी। टी हमें रिक्वायर्ड है तो टी को क्रॉस कर लेंगे, पी नीचे ले आएंगे। पावर हमें पता है। अब पानी के लिए हम जानते हैं कि भाई आपके पास सी जो है वो 4190 है और मैस हमें पता है 100 ग्राम है। केजी में 0.1 आ जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास 100 माइनस 23 है। जितना सेल्सियस में डिफरेंस होगा उतना ही केल्विन में डिफरेंस आएगा, वो इससे एडजस्ट हो जाएगा। इस सारे को लेकर सॉल्व करेंगे तो 160 सेकेंड आएगा। तो ये जनाब इतना टाइम वो लेगा उसका टेम्परेचर इतना बढ़ाने के लिए। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।